अस्सलाम वालेकुम, सुहैम अलैका फैमिली ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से हम भी अच्छे हैं। और आज का ब्लॉग्स जो है का देर में स्टार्ट किया हमने, क्योंकि आज जो है थोड़ी सफाई वगैरह कर रही थी घर की। कल जो हमारा शिवरात है तो आज थोड़ी घर की सफाई कर रही थी, इसलिए आज थोड़ा लेट हो गया है। और अब जो है हमने खाना खा लिया है और अब शाम में हम थोड़ा बाहर जाएंगे ताकि कल हमें हलवा बनाना है, तो उसके कल ही आज ही बनाते हैं। जो हमारे यहाँ है जो कल शिवरात है, तो लेकिन आज रात में हलवा बनाना है, तो उसके लिए कुछ सामान लेने हम थोड़ा बाहर जाएंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो मैं और जोया जा रहे हैं इंटाली, क्योंकि जितनी भी जल्दी करूँ ना उतना, शाम से कह रही हूँ 4 बजे से कि जा रही हूँ, निकल रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ काम पड़ रहा है जिसकी वजह से अटक जा रही हूँ। फाइनली अब जाकर के हम दोनों निकल रहे हैं कि सामान ले लें जाकर के, नहीं तो और पकाते पकाते और भी रात होने वाला है। तो देखिए वहाँ चलते फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ मैं इनसे सामान ले रही थी हलवा के लिए, दाल वगैरह, दाल खोआ ये सब ले रही थी मैं। चने की दाल के हलवा बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ये 1 kg चने का दाल धो के भिगो के रखा है। अब मैं इसे कुकर में डाल देती हूँ। 1 glass और और ये दूसरी ग्लास जो है मेरे और लेके आओ बेटा थोड़ा पानी, ये मेरी फेवरेट हलवा है ना इसीलिए, और पानी लेके आई। अच्छा ये 3 glass। हाँ ठीक है, ये 3 glass इसमें मैंने पानी डाल दिया। अब मैं इसे बंद कर दूंगी। ओके, इसे अभी हम बंद करके रख देंगे। अब बंद करके चढ़ा देते हैं, ये गल जाएगा। वही चलो अब हम लोग ड्राई फ्रूट काट लेते हैं, जब तक ठीक है। चलो जिसमें वह मम्मी के ड्राई फ्रूट आपको खानी नहीं है, क्योंकि ये तो न्यास की चीज है ना। तो अब मैं डाली से आ गई और जल्दी से मैंने दाल चढ़ा दिया ताकि वो जल्दी गल जाए, क्योंकि हलवा बनने में भी बहुत टाइम लगता है। और दाल चढ़ा के अब मैं बैठी हूँ ड्राई फ्रूट काटने के लिए। अब मैं भी मम्मी की हेल्प कर रही हूँ और जोया जो है वो मेरी हेल्प करेगी। और मुझे जो है जो टफ जो करता है ये छुआरी, इसे काटने में ज्यादा तकलीफ लगता है। ये मुझे पहले पकड़ा दिया, मम्मी ये आप काट लीजिए, बाकी वो हल्के हल्के काम मैं कर लूंगी। तो पहले मैं छुआरे काट ले रही हूँ। आज की भाजी तुमने बनाने वाली हो क्या? हाँ जी, तो आज की भाजी जो है यही बनाएगी डिनर। और आज का डिनर जो है जोया तैयार करने वाली है। और ये आसान काम है, अभी सबसे जो मुश्किल काम है वो है हलवे को चलाते रहना, बूनते रहना, तो वो काम करना है ना। जोई जोई इधर देखो, तुम्हें वो काम करना है, समझ में ना। तो ये काम करके क्या होगी, ये तो इजी काम है। नहीं हार्ड नहीं, ये बहुत इजी काम है। तो ये तुम अभी ये काम करोगी, ये मैं कर लेती हूँ, और तुम ना टफ काम करना, थोड़ा मम्मी की मदद करना। ये जोया मलाइका जो है अपना खाना खा रहा जो है, सुबह से बलून में पानी भरी हुई है, अब बोली आप ही पे फोड़ूंगी इसे, सुबह से इसकी लगी हुई है उसको कि आप ही पे अब इसको फोड़ा, आप ही पे फोड़ा। नहीं फूटेगा, चलो खाना फिर छोड़ो, फूट गया वो है ना। यही होता है, इसलिए बोलते हैं अल्लाह ताला कि किसी के लिए बुरा नहीं सोचिए, बुरा आप दूसरे के लिए सोचिएगा तो आपके साथ बुरा होगा। अच्छा मम्मी ऐसे मेरे पास ना। हाँ तो अभी हम लोग खड़े दाल पीस ले, अब जल्दी से। कल बहुत अच्छा और मैं चाय बना रही हूँ आज पहली बार। ओहो हाँ। चाय बना रही, चाय पूरा मेरे चढ़ा के रही, मेरी बाबू चाय बना रही है। हाँ, मुझे चाय बनाना आता है, मैं आपको बता दे रही हूँ पूरी रेसिपी ऑफ टी फॉर मलाई। पहले आपको दूध लेना है, फिर चपत्ती लेना है, फिर चीनी डालना है, सॉरी दूध पानी चपत्ती चीनी, फिर थोड़ा देर में रख दीजिएगा। हाँ क्योंकि मलाइका को चाय पीनी है, इसलिए मलाइका ने पूरी रेसिपी समझ ली है चाय की, है ना। अब मैं जा रही हूँ
इसे भूनने के लिए। तो ये मैंने पतीली चढ़ा दिया, मैं कढ़ाई में नहीं पतीली में बना लेती हूँ। हाँ, हेल्प नहीं कीजिए बल्कि जाके सो जाइए। ये दाल है और अभी मैं इसको देती हूँ, अभी रुक जाइए। तो इसमें मैं डालडा डाल दे रही हूँ। एक केजी मेरा ये है चना की दाल, तो एक केजी डालडा दूंगी या थोड़ा सा कम दूंगी। और यहाँ देखिए, ये मैं अभी जाग करके हूँ, अभी रात के 12 बज रहे हैं तो मैं जागती हूँ। और ये लोग देखिए, तो ये देखिए मलाइका भी पूरी, जोया भी पूरी जाग करके क्या कर रहा है बेटा? अच्छा, ये तो ये अभी डालडे जो है मेरा गर्म हो गया है और अब मैं इसमें दूंगी क्या, और अब जोया मलाइका जो है पूरा तैयार कर देंगे। तो इसमें मैं 7-8 पीस छोटी इलायची और एक इतना बड़ा दालचीनी मैं डाल दूंगी। क्या हुआ? मेरा जो है डालडा हो गया है गर्म, अब मैं इसमें दाल डाल दूंगी। इतना सारा हुआ है पीस के, मुझे लग रहा है केक का बैटर है। अरे तुम्हारे केक ही तो मैं बना रही हूँ, बेसन का केक है, बेसन का नहीं चना की दाल का केक बनेगा तुम्हारे लिए। तो ये पूरा मैं डाल दूंगी इसको, अभी मैं 30 आंच पे भून रही हूँ। और ये अभी बहुत भुनाने वाला। और ये जो है मेरा 1 केजी अब मैंने डाल लिया था, तो 1 केजी मैंने 1 केजी से थोड़ा कम शुगर लिया है। इसको अभी मैं पानी में थोड़ा सा भिगो दूंगी, इसका बाद में शीरा बनाऊंगी। अभी तो भूनने में बहुत टाइम है इसलिए इसका बाद में शीरा बनाऊंगी। तो इसे शीरा बना के डालते हैं, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट भी डालते हैं लेकिन शीरा बना के हम लोग डालते हैं, इसलिए मैं शीरा बना के डालूंगी। तो ये देखिए इतना टाइम हो गया है मुझे भूनते भूनते, और अभी तक पूरा भुनाया ही नहीं है और मेरे हाथ देखिए पूरा रेड हो रहा है भूनते भूनते। अब मैं जोया को थोड़ा पकड़ाऊंगी, थोड़ा बालकनी में हवा खाने जाऊंगी, बहुत गर्मी भी लग रही है और ना भुनाया नहीं, अभी बहुत टाइम लगने वाला है इसमें, और पता नहीं कितनी रात तक मुझे जागनी पड़ेगी। 4 बजे तक वही तो मैं सोच रही हूँ कि और पता नहीं कितनी रात तक जागनी आ रही है। अभी तक ये भुनाया नहीं है कुछ भी, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बहुत भुनाने वाला है, अभी ये नहीं भुनाया है। टाइम मैं इसमें थोड़ा छुआरी डाल देती हूँ, क्योंकि छुआरी जो होता है वो थोड़ा कड़वा होता है, जो है मेरी गली तो ये मैं डाल देती हूँ छुआरी, ताकि इसके साथ थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। मैं छुआरी इसमें डाल देती हूँ, मैं इसे बना रही हूँ, बाकी सब लोग कल बनाएंगे। और जोया को देखिए, बोली मम्मी आप थोड़ा थक गए, आप बैठ जाइए, मैं थोड़ा सा कर दे रही हूँ। बेटियों के रहने से ना बहुत नेमत है, बहुत आराम भी मिल जाता है, और मुझे अफसोस भी लगता है कि अभी मेरे बच्चे एकदम छोटी सी आई है और उसको ये सब करने बैठना पड़ रहा है। मैं भी हटा दूंगी, थक जाएगी बच्चा मेरी। जुई उठ जाओ बेटा, थक जाओगी। हाथ दर्द आज नहीं समझ में आएगा बाबा, कल ना समझ में आ जाएगा, आज नहीं समझ में आने वाली है। फिर दर्द कर जाएगा बाबू, उठ जाओ तुम, हम मैं कर लेती हूँ। दाल को दिखा रही हूँ, ये देखिए हमारा हलवा, अभी और थोड़ा भुनाएगा, उसके बाद इसमें फिर शीरा डालूंगी मैं। चलाते चलाते रात के बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं और हम लोग बैठ के हलवा बना रहे हैं। तो ये मैं जो ड्राई फ्रूट है आधा इसमें अभी डाल दे रही हूँ, फिर आधा हाफ से इसका गार्निशिंग करूंगी मैं, थोड़ा ये मैं डाल दे रही हूँ इसको। हलवा भुना गया है और मैं इसमें शीरा डाल दूंगी। ये देखिए, ये मेरा शीरा तैयार हो रहा है, और हलवे में जो शीरा पड़ता है वो गाढ़ा नहीं होता है, वो पतला होता है। तो ये मेरा हो गया है शीरा, ये चीनी जो है पूरी तरह घुल जानी चाहिए,
तो ये मेरी चीनी घुल गई है और ये मेरा शीरा भी हो गया है। अब मैं इसे हलवे में डाल दूंगी और ये शीरा मैं जो डाल दे रही हूँ इसमें, तो ये मम्मी का हलवा हो गया है ऑलमोस्ट रेडी और अभी एकदम पतला पतला है और अभी थोड़े से चलाएंगे तो ये हो जाएगा और फिर हम गाढ़ा हो जाएगा। तो ये मैं हाफ चमचे इसमें केवड़ा वाटर डाल दूंगी, ये देखिए है इसलिए मैं इसे हाफ चमची इसमें डाल दिया मैंने। और सबसे ज्यादा क्या हुआ कि मैं जब लाने गई तो मैंने घी लाना ही भूल गई मैं, तो मैं क्या करूंगी बाद में मंगाऊंगी और जो गर्म करते वक्त उसमें घी दे दूंगी तो उसकी खुशबू आ जाएगी। ये देखिए ये मेरा हलवा तैयार हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ निकाल कर। तो ये देखिए ये मेरा हलवा हो गया तैयार और देखने में तो बहुत अच्छा और लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब ये कल समझ में आएगा जब मेरे रियाज हो जाएगा तब मैं टेस्ट करूंगी तब, अभी तो मैं इसे टेस्ट नहीं कर सकती हूँ। और सोया को भी देखे साथ दे रही है इसको बनाने में पूरा पूरा साथ दिया है। नींद तो मुझे आ रहा है लेकिन हाँ मुझे इसकी खुशबू मुझे खाली उठा के रखी बहुत अच्छी खुशबू। अभी रात हो गई है और बहुत टाइम लग गया, अभी कम से कम 3:00 हो रहे जो है इतना टाइम हो गया है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे अब एंड करते हैं और अभी एडिटिंग भी करना है, फिर आपको सुबह आप देख पाएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो और अगर मेरी व्लॉग्स पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रिलेटिव में शेयर करें और जहां तक हो सके अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें और आप अपना भी ख्याल रखें और अपनी दुआ में हमें याद रखें। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।